इंडियन फुटबॉल फेडरेशन का जो बजट है वो बढ़ के 134 करोड़ रुपीस हो चुका है फॉर 23-24 सीजन। बट क्या इन 134 करोड़ का AIFF अच्छे से यूज करेगी या नहीं? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। लास्ट 1 मंथ इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत ही बढ़िया मंथ था, अगर मैं जून की बात करूं एंड पहला हफ्ता जुलाई का भी उसमें इंक्लूड कर लूं तो, जहां पे हमने इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता, उसके बाद हमने सैफ चैंपियनशिप जीती। इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस, इतनी इंप्रेसिव टैक्टिक्स, इतना इंप्रेसिव एक कोच का माइंडसेट हमने देखा। वहीं पे अगर मैं बात करूं AIFF की, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए हैं। जो AIFF ने 5 टीम्स नई इंक्लूड करी हैं आई लीग में, डायरेक्ट बिडिंग जिनकी हुई थी वो पांचों की पांचों टीम्स को उन्होंने इंक्लूड कर लिया इस साल आई लीग में। एंड जो उनका बजट था AIFF का 2023 में, 2022 में वो बजट था 87 करोड़ का, एंड इस सीजन हो चुका है वो 134 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं 50% ज़्यादा पैसे आ चुके हैं इस बार AIFF के पास फॉर द होल ईयर 23-24 सीजन के लिए। बट पैसे आ गए ठीक है, बट क्या AIFF इसका अच्छे से यूज करेगी? क्या उन्होंने पास्ट में अच्छे से यूज करा इन पैसों का जितने भी थे उनके पास? ठीक है, इससे कम पैसे थे बट उन्होंने अच्छे से यूज करा। एंड जो कुछ एलिगेशंस लगे हैं शाहजी प्रभाकरन के ऊपर, सेक्रेटरी जनरल जो है हमारे AIFF के, उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सेक्रेटरी जनरल शाहजी प्रभाकरन के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं उनके ऊपर ही बात कर लेते हैं कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया मध्य प्रदेश के फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने कि शाहजी प्रभाकरन 1 महीने का 12.5 लाख रुपीज़ ले रहे हैं सैलरी। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसका राउंड अबाउट लगाओ तो 1.5 करोड़ रुपए हो जाता है एक साल का। क्या इंडिया का AIFF इतना अमीर है कि वो जनरल सेक्रेटरी को हमारे AIFF के 1.5 करोड़ रुपए सैलरी बांट दे सिर्फ पूरे साल में? आई डोंट थिंक सो। बट जो भी लोग ये मान रहे हैं कि AIFF कैन कम्पीट विद BCCI गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, अगर उनसे लोग सोच रहे हैं कि हमारी फुटबॉल इस वक्त क्रिकेट के BCCI से कम्पीट कर सकती है, तो वो बहुत ही बड़े एक गलत फहमी में है। वी आर नो वेयर नियर अबाउट क्रिकेट एट दिस मोमेंट इन इंडिया। अगर आप देखो कि कितना बजट है, कितना कमाता है BCCI, तो कहीं ना कहीं आप उसी से शॉक हो जाओगे, क्योंकि सिर्फ IPL के एड रिवेन्यूज से ही इस सीजन BCCI ने 10,000 करोड़ रुपए कमाए हैं, एंड हम 134 करोड़ में पूरा अपना साल निकालेंगे AIFF वाले। तो कहीं ना कहीं अगर शाहजी प्रभाकरन का या किसी का भी ये माइंडसेट है कि हम BCCI से कम्पीट करेंगे अपने मॉड्यूल में, फुटबॉल के इंडियन मॉड्यूल में, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी एक उनकी ये गलत फहमी है। हम इस वक्त नहीं कम्पीट कर सकते BCCI से। बट अगर सैलरी पे वापस आए 12.5 लाख रुपीज फॉर अ मंथ, आई थिंक इट्स अबव एनीथिंग एल्स, क्योंकि इतनी सैलरी अगर हमारे सिर्फ जनरल सेक्रेटरी ही ले लेंगे तो ज़्यादातर पैसे तो हमारे 134 करोड़ रुपए में से सैलरीज में ही बट जाएंगे। फिर प्रेसिडेंट कल्याण चौबे भी कल को कह सकते हैं कि मेरे को भी ज़्यादा पैसे दो, मैं प्रेसिडेंट हूँ AIFF का, बाकी जो और गवर्निंग बॉडीज काम कर रही हैं अंदर AIFF के, और भी जो ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं वो भी मांग सकते हैं फिर ज़्यादा पैसे के, हमारे को भी ज़्यादा दो। एंड ये जो फाइनेंस कमेटी होती है जो असाइन करती है कि शाहजी प्रभाकरन को कितने पैसे मिलने चाहिए एंड कल्याण चौबे को कितने पैसे मिलने चाहिए, क्या 12.5 लाख जस्टिफाइड है एक जनरल सेक्रेटरी के लिए? अगर ये जस्टिफाइड है तो फिर इस हिसाब से तो हमारे प्लेयर्स को भी 1-1 लाख रुपए मिनिमम मिलने चाहिए हर मैच डे पे। क्यों फिर उनको हर मैच डे में 1,000 रुपए दिया जाता है सिर्फ? दोज हु आर सर्विंग द नेशन, दोज हु आर प्लेइंग फॉर देयर कंट्रीज, फॉर इंडियन फुटबॉल टीम, क्यों उनको सिर्फ एक मैच डे का 1,000 रुपये दिया जा रहा था इंटरकॉन्टिनेंटल कप तक, उसके बाद 1,500 रुपये 1 महीने के कर दिए गए। एंड अगर हम ऐसे ही ट्रीटमेंट अपने प्लेयर्स को देते रहेंगे तो क्या ये जस्टिफाइड है कि एक कुर्सी पे बैठ के काम करने वाला शाहजी प्रभाकरन या कोई भी ऑफिशियल AIFF का 1 महीने के 12.5 लाख रुपए कमाए, और जो हमारा प्लेयर है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है उनको सिर्फ 1 मैच के 1,000 रुपए 1,500 रुपए मिले? क्या
क्या ये जस्टिफाइड है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल भी ये ठीक नहीं लग रहा। अगर ठीक है शाहजी प्रभाकरन को अगर आप 12.5 लाख रुपीज जस्टिफाइड मानते हो, तो फिर इस हिसाब से हमारे प्लेयर्स को भी ईच प्लेयर को 1-1 लाख रुपए मिलना चाहिए। एंड सुनने में ये भी आ रहा है कि सैफ ने भी अभी तक जो 2021 में सैफ चैंपियनशिप जीती थी इंडिया ने, वो पैसे भी नहीं मिले अभी तक इंडियन टीम को। तो ये जो हमारी टीम खेल रही है इतने टाइम से सैफ में, उनको पैसे ही नहीं मिल रहे हैं। एंड अभी भी माना जा रहा है कि 2023 में हम जो सैफ चैंपियनशिप जीते हैं उसके भी अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे प्लेयर्स फ्री में ही खेलने वाले हैं तो प्लीज़ हमारे प्लेयर्स ऐसे ना ही खेलें, क्योंकि अगर उनका टैलेंट वेस्ट जा रहा है, दे आर नॉट पेड इक्वली। एंड हम बात करते हैं कि हम बीसीसीआई से कम्पीट करेंगे, बीसीसीआई अपने वुमेन्स प्लेयर्स को भी एंड अपने मेन्स प्लेयर को भी सेम डिस्ट्रीब्यूट करती है सैलरीज। तो कहीं ना कहीं हम अगर बीसीसीआई के मॉड्यूल को छोड़ भी दे तो हमारा जो एआईएफएफ का स्ट्रक्चर है, क्या वो इतना डेवलप है कि वो इन 134 करोड़ रुपीज का सही से यूटिलाइज कर पाए? क्योंकि अगर देखा जाए तो ठीक है 134 करोड़ रुपीज भी कई लोग सोचेंगे कि कम पैसे हैं, थोड़े और आने चाहिए थे, बट पिछले साल से 50% ग्रोथ हुई है इसमें। बट क्या एआईएफएफ इसका सही से यूज कर पाएगी, वो यहाँ पे क्वेश्चन आता है। क्योंकि अगर आप पिछले साल का एग्जाम्पल देखो तो संतोष ट्रॉफी का अगर एग्जाम्पल लूँ मैं, तो वो हमने ऑर्गेनाइज कराई थी अबू धाबी दुबई में। तो क्या ज़रूरत थी एक फॉरेन कंट्री में संतोष ट्रॉफी ऑर्गेनाइज कराने की? एंड क्या हमारे को उससे कुछ फ़ायदा हुआ? क्योंकि ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड हमारे को ऐसा कोच भी फ़ायदा नहीं हुआ संतोष ट्रॉफी करवाने का सऊदी अरेबिया में, जो पूरा का पूरा स्टेडियम था वो भी खाली था, वहां से भी कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। खैर वो तो हमारे को पैसे मिलते भी नहीं, अगर रेवेन्यू जनरेट होता तो वो उनकी गवर्नमेंट के पास जाते। तो जो हमने 3-4 करोड़ खर्चे संतोष ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज कराने में पिछले साल, क्या वो वर्थ थे? क्या वो इंडिया में नहीं ऑर्गेनाइज कराया जा सकता था, वो भी कम पैसों में? क्या ये एक ऐसे एक्सपोजर का जहां पे हम अपनी ही टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं, जहां पे हमारे को कोई देखने नहीं आ रहा, क्या वो एक वैलिड था टूर्नामेंट कराना इन सऊदी अरेबिया? तो कहीं ना कहीं एआईएफएफ के पास पैसा है इस वक्त, ऑल दो आई नो के इससे आप 134 करोड़ से स्टेडियम्स नहीं बनवा सकते, क्योंकि एक स्टेडियम ही अगर आपने बनवाना है फुटबॉल पर्पस का सिर्फ, तो 80-100 करोड़ रुपीज तो उसी में लग जाएंगे। तो बट आप स्टेडियम्स नहीं बना सकते, स्टेडियम्स को रेनोवेट तो आप जरूर कर सकते हो, उसमें आप पैसा डालो, यूथ स्ट्रक्चर को डेवलप करने में हमारे पैसा डालो, जो कि पैसा इतना नहीं डलता है हमारे एआईएफएफ नहीं डालते हैं स्टेट गवर्निंग बॉडीज में एंड फुटबॉल स्टेडियम्स को इन्हेंस करने में। एक अलग जो एग्जाम्पल दिखता है मेरे को फुटबॉल स्ट्रक्चर का इंडिया में, वो ओडिशा ही दिखता है मेरे को। एंड हमने देखा कि नवीन पटनायक ने, ओडिशा गवर्नमेंट ने कितना अच्छा काम करा है ओडिशा में फॉर फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर एंड एज वेल एज इन अदर स्पोर्ट्स एज वेल। तो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल है उड़ीसा फुटबॉल हमारे लिए, उड़ीसा गवर्नमेंट हमारे लिए, एआईएफएफ के लिए स्पेशली, कि कैसे यूटिलाइज करा जाता है इतने सारे पैसों का। एंड अगर आप अभी रिसेंटली एग्जाम्पल उठाओ सैफ चैंपियनशिप का, तो जिस ग्राउंड में हमारी टीम इंडिया खेल रही थी कंतीरवा स्टेडियम इन बेंगलोर, उसकी क्या हालत थी, ग्राउंड की क्या हालत थी? आप एक इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हो, अपने रीजन का बेस्ट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हो, आपके अगेंस्ट पाकिस्तान आ रही है, लेबनान आ रही है, कुवैत आ रही है, एंड आप उसको ऐसा अपना कंडीशंस दिखा रहे हो ग्राउंड की के हमारे पास ऐसे ग्राउंड्स हैं इंडिया में। तो कहीं ना कहीं इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग कि अगर हम टूरिंग कंट्रीज को भी, विजिटिंग कंट्रीज को भी ऐसे ग्राउंड्स हमारी कंट्री में दिखाएं। तो एआईएफएफ को 134 करोड़ रुपीज जरूर मिल चुके हैं, बट क्या वो एक इसको अच्छे पर्पस के लिए यूज़ करेंगे या फिर नहीं, या फिर अपनी जेबों में डाल लेंगे, वो एक देखने वाली बात है। क्योंकि इस वक्त हमारे इंडियन फुटबॉल, अगर एक भी स्टेप हमने गलत लिया तो जो थोड़ा सा हम राइज होना शुरू हुए हैं वो वापस हम नीचे जाना शुरू कर देंगे। वेल लेट्स सी, अभी तक बहुत अच्छा काम करा है शाहजी प्रभाकरन ने एंड कल्याण चौबे ने, एंड उसके रिजल्ट्स हमारे को दिखे हैं, उसमें कोई डिनायल नहीं है कि इन दोनों ने अच्छा काम नहीं करा, एआईएफएफ ने अच्छा काम नहीं करा। बट लेट्स सी कि फ्यूचर में ये दोनों कैसे काम करते हैं, एआईएफएफ की जो गवर्निंग बॉडी है वो कैसे काम करती है, एंड इस पूरे साल में हमारे को क्या क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिलती है इस 134 करोड़ रुपए से। आपकी क्या राय है इस टॉपिक के ऊपर, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन।
तो यही थी आज की वीडियो. सी यू इन द अदर वीडियो. टिल देन पीस आउट.